केंद्रीय राज मंत्री रवनीत सिंह बिटू दे वालों सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ दे रेलवे स्टेशन ते चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया गया। इस मौके रवनीत सिंह बिटू ने दावा किया कि केंद्र सरकार दे वालों 462 करोड़ रुपए की लागत नाल चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण किया जा रहा है। इस रेलवे स्टेशन नू विश्व पदरी रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है। यह प्रोजेक्ट मई 2025 दे विच मुकम्मल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ का रेलवे स्टेशन पंजाब हिमाचल प्रदेश ते हरियाणा का गेटवे है, इसलिए इस रेलवे स्टेशन का रणनीतिक महत्व है। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन ते वर्तमान विच लगभग 36,000 यात्री प्रतिदिन आते हैं। इस रेलवे स्टेशन तो औसतन 82 रेल गड्डियां गुजरदियां ने। बिटू ने कहा कि पिछले दिन देश च वख-वख थावां ते रेलवे ट्रैक ते गैस सिलेंडर मिलन अते रेलवे ट्रैक तोड़न वाली घटनावां वापरन ते चिंता जिहड़ी है ओह हुंदी है। इस दी जांच NIA नूं दित्ती गई है। उन्होंने कहा कि अजिहे शरारती अंसरां वल्लों देश च अमन ते कानून दी स्थिति नूं खराब करन दी कोशिश कीती जा रही है, पर उन्हां नूं कामयाब नहीं होण दित्ता जावेगा। इस मौके केंद्रीय राज मंत्री रवनीत सिंह बिटू ने किसानों बारे कुछ टिप्पणी करने तो गुरेज किया। उन्होंने कहा कि किसानों वालों रेलवे ट्रैक रोकने की तैयारी की जा रही है, इसका असर आम लोगों के नाल नाल किसानों पर भी पैंदा है। रेल मंत्री ने कहा कि दिवाली और छठ पूजा मौके चंडीगढ़ तो गोरखपुर और वाराणसी तक विशेष रेल गड्डी चलाने का फैसला किया गया है। गोरखपुर लिए विशेष रेल गड्डी 24 ते 31 अक्टूबर और 7 नवंबर चंडीगढ़ तो चलाई जाएगी। रेल गड्डी गोरखपुर तो 25 अक्टूबर 1, 8 ते 15 नवंबर नूं वापस आवेगी। इसी तरह चंडीगढ़ तो वाराणसी लिए विशेष रेल गड्डी 26 अक्टूबर 2, 9 ते 16 नवंबर चलाई जाएगी। यह रेल गड्डी वाराणसी तो 27 अक्टूबर 3, 10 ते 17 नवंबर वापस आवेगी। केंद्रीय राज मंत्री रवनीत सिंह बिटू दे वल्लों सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ दे रेलवे स्टेशन ते चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया गया। इस मौके रवनीत सिंह बिटू ने दावा किया कि केंद्र सरकार दे वल्लों 462 करोड़ रुपए की लागत नाल चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण किया जा रहा है। इस रेलवे स्टेशन नू विश्व पदरी रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है। यह प्रोजेक्ट मई 2025 दे विच मुकम्मल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ का रेलवे स्टेशन पंजाब हिमाचल प्रदेश ते हरियाणा का गेटवे है, इसलिए इस रेलवे स्टेशन का रणनीतिक महत्व है। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन ते वर्तमान विच लगभग 36,000 यात्री प्रतिदिन आते हैं। इस रेलवे स्टेशन तो औसतन 82 रेल गड्डियां गुजरदियां ने। बिटू ने कहा कि पिछले दिन देश च वख-वख थावां ते रेलवे ट्रैक ते गैस सिलेंडर मिलन अते रेलवे ट्रैक तोड़न वाली घटनावां वापरन ते चिंता जिहड़ी है ओह हुंदी है। इस दी जांच NIA नूं दित्ती गई है। उन्होंने कहा कि अजिहे शरारती अंसरां वल्लों देश च अमन ते कानून दी स्थिति नूं खराब करन दी कोशिश कीती जा रही है, पर उन्हां नूं कामयाब नहीं होण दित्ता जावेगा। इस मौके केंद्रीय राज मंत्री रवनीत सिंह बिटू ने किसानों बारे कुछ टिप्पणी करने तो गुरेज किया। उन्होंने कहा कि किसानों वालों रेलवे ट्रैक रोकने की तैयारी की जा रही है, इसका असर आम लोगों के नाल नाल किसानों पर भी पैंदा है। रेल मंत्री ने कहा कि दिवाली और छठ पूजा मौके चंडीगढ़ तो गोरखपुर और वाराणसी तक विशेष रेल गड्डी चलाने का फैसला किया गया है। गोरखपुर लिए विशेष रेल गड्डी 24 ते 31 अक्टूबर और 7 नवंबर चंडीगढ़ तो चलाई जाएगी। रेल गड्डी गोरखपुर तो 25 अक्टूबर 1, 8 ते 15 नवंबर वापस आवेगी। इसी तरह चंडीगढ़ तो वाराणसी लिए विशेष रेल गड्डी 26 अक्टूबर 2, 9 ते 16 नवंबर चलाई जाएगी। यह रेल गड्डी वाराणसी तो 27 अक्टूबर 3, 10 ते 17 नवंबर वापस आवेगी।